क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपको एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत है किसी ओवरटेकिंग में या रेस लग गई, आप गाड़ी से बोलते हैं कि चल भाई भाग, जल्दी भाग, भाग धन्नो भाग, ये दिल मांगे मोर, और गाड़ी बोले ना भैया सॉरी अभी नो मोर। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है, इसमें हम बात करेंगे कि कितने तरह के इंजन मोड्स होते हैं, कितने तरह के फिल्टर आते हैं, हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा है K&N के साथ, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या आते हैं, फील कैसी होती है, परफॉर्मेंस, माइलेज और इंजन लाइफ, साथ ही इसको मेंटेन कैसे करते हैं। इसको हमने इंस्टॉल किया i20 में, जो कि U2 1.4 लीटर डीजल इंजन में आती है, जो कि क्रेटा में भी आता है, वर्ना में भी आता है, वेन्यू और इलांट्रा में भी आता है, उसमें लगाते हैं तो वहाँ भी आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। कार मॉडिफिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेहद ही वाइड है, इसमें इतने वेरिएशंस हैं कि कुछ लोग तो गाड़ी का चरित्र, उसका चेहरा और उसका DNA सब कुछ बदल देते हैं। अभी मैं यूट्यूब पर देखा था, एक बंदे ने एक ऑल्टो को मॉडिफाई करके लैम्बोर्गिनी बना दिया, देख के बड़ा मज़ा आया। लेकिन शायद मैं और आप कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको सटल मॉडिफिकेशंस बड़े पसंद हैं। मैं बाकी लोगों को जो बहुत एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशंस करते हैं बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ और नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनको कोई दोष दे रहा हूँ, लेकिन हर एक का अपना टेस्ट है और शायद मैं और आप हम उस टेस्ट के लोग हैं जिनको हल्का सा काम पसंद है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कार मॉडिफाई करना ऐसा है जैसे गर्लफ्रेंड पर पैसे खर्चना, हम सबको करने में अच्छा लगता है लेकिन हम सभी ये चाहते हैं कि वो बात बाहर ना आए कि हमने क्या कर रखा है। इतना सटल हो, इतना सारे काम हो जाएं और पता भी ना चले। दोस्तों, गाड़ी की परफॉर्मेंस आज हम मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो है K&N RR-3003। अब इसके बारे में क्या है, कैसा है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत डिटेल में। अब गाड़ी की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि गाड़ी का इंजन एक्चुअली में परफॉर्म कैसे करता है। परफॉर्मेंस बाद की बात है, परफॉर्म कैसे करता है पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको पता होगा कि इंजन कैसे काम करता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद नहीं पता हो, तो छोटी सी बात है कि इंजन के अंदर एक पिस्टन होता है, एक सिलेंडर होता है, उसमें अंदर आग लगती है, आग से जो हवा प्रोड्यूस होती है, जो गैस बनती है, उसके धक्के से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो इंजन के अंदर बेसिकली केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है थर्मोडायनेमिक एनर्जी में, और थर्मोडायनेमिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। दैट्स इट। बचपन में आपने एक इक्वेशन केमिस्ट्री में ज़रूर ही पढ़ी होगी, और वो क्या है कि C+O2 गिव्स CO2+ हीट। यानी कि जब हम कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो पैदा होती है CO2 और प्रोड्यूस होता है थर्मोडायनेमिक हीट। गाड़ी के इंजन में भी यही हो रहा है, क्योंकि उसमें पेट्रोल डीजल बर्न होता है जो कि हमारा सी कंपोनेंट है, और ऑक्सीजन हम लेते हैं, CO2 प्रोड्यूस होती है, हीट हम जनरेट कर रहे हैं। अब इन चारों ही कंपोनेंट्स में हम अगर कुछ भी वेरी करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा प्रोफाइल है इंजन का, वो कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। इसके लिए सी यानी कि जो पेट्रोल डीजल है वो भी लोग चेंज करते हैं, उसके लिए हमें ECU रीमैप करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कई बार वॉल टाइमिंग और बाकी सब चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, लेकिन उससे गाड़ी का चरित्र, उसका DNA काफ़ी चेंज हो सकता है परफॉर्मेंस वाइज, यानी कि इंजन का। कुछ लोग गाड़ी का हीट फैक्टर यानी कि जो थर्मोडायनेमिक वर्क है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि टैपेट चेंज करना पड़ेगा, बोर, स्ट्रोक जो है वो सब चेंज करना पड़ेगा एंड ऑल दैट, लेकिन उससे भी गाड़ी का जो पूरा एक DNA है परफॉर्मेंस का वो चेंज हो जाता है, और वो हमारा अभी इस समय का टारगेट नहीं है। फिर दो चीज़ें बची, ऑक्सीजन और CO2। CO2 भी चेंज करना काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना आपको, आपको Stage 2 या Stage 3 परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट फिट करना है, बोर्ला का आता है, बहुत तरह की कंपनियों का आता है, लेकिन आजकल आपने सुना होगा
कि परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट पे जो उनकी साउंड होती है, जो उनकी नॉइज़ होती है, उस पर बैन लग गया है, तो क्या फ़ायदा कि हम कोई ऐसा काम करें जिस पे कि पैसा भी खर्चो और बाद में चलान में पैसा खर्चो। नहीं, इसलिए सबसे जो आसान तरीका, एकमात्र तरीका हमारे पास रह गया है, वो है ऑक्सीजन फैक्टर को चेंज करना, और आज हम उसी को करने जा रहे हैं। दोस्तों, गाड़ी का इंजन जो है ना, एक इंसान की तरह है। हम भी ऑक्सीजन पीते हैं, गाड़ी का इंजन भी कुछ ऐसा ही है। अब हमारी नाक में भगवान जी ने एक फिल्टर दिया है, नाक के अंदर आपकी भी दिया है। तो ये जो फिल्टर है, ये क्या करता है, ये हमारे अंदर चक्कर जाने से रोकता है। गाड़ी के अंदर भी ऐसा ही करना पड़ता है, गाड़ी भी सांस लेती है, हमने तो गाड़ी को इंसान बना दिया। तो जब गाड़ी सांस लेती है तो उसको भी एक फिल्टर चाहिए, ताकि उसके अंदर कूड़ा ना जाए, उसके अंदर रेत डस्ट ना जाए। रेत और डस्ट जाने से क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये आप मान लीजिए सिलेंडर वॉल है मेरा, ये वाला हाथ, और ये पिस्टन है। जब पिस्टन चलेगा ऐसे ऐसे, रेत अगर बीच में आ गया तो वो घिस जाएगा, स्क्रैच पड़ जाएंगे और इंजन का नाश हो जाएगा। इसलिए फिल्टर का होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे फिल्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है, दैट्स इट। लेकिन अब क्या है दोस्तों, कि नाक के बाल तो शायद आपको और मेरे को पता नहीं चल रहे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपकी नाक पे, जैसे अभी दिल्ली में हुआ था पॉल्यूशन की वजह से, एक वो फिल्टर लगा रहे थे, वो लगा लूँ तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन हमें दम लगाना पड़ता है, हमारी एनर्जी जो लंग्स में कंज्यूम हो रही है सांस लेने में, वो बढ़ जाती है। तो कोई भी नहीं चाहता, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमारी नाक पे कोई कुछ लगाए, तो हम चाहते हैं कि फटाफट उसको हटा दें। तो बेचारी गाड़ी का भी कुछ ऐसा ही है, गाड़ी के अंदर भी यही सिस्टम होता है, जो फिल्टर होता है वो ये है। तो इसीलिए जो है, फिल्टर से क्या होता है कि बैक प्रेशर क्रिएट होता है, इसी को बैक प्रेशर बोलते हैं, दिक्कत। ये मेरी मशीन नहीं है, पर ये आपको K&N के हर ऑथराइज डीलर के पास मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके इसको ट्राई कर सकते हैं। K&N से जो एयर रेजिस्टेंस है, यानी कि जो हवा की रुकावट है, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है, और इससे जो बैक प्रेशर है वो कम होता है, हवा ज़्यादा फ्रीली आती है जाती है, इंजन को एज अ रिज़ल्ट ज़्यादा हवा मिलती है। आप इस टेस्ट में देख सकते हैं कि कैसे ये गेंस जो है नॉर्मल फिल्टर के साथ नीचे पड़ी रहती है, हवा उसको इतनी मिलती ही नहीं कि ये उठ पाए, और जैसे ही हम K&N का फिल्टर लगाते हैं, हवा से एकदम से ये उड़ जाती है। तो जो नेगेटिव प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है, इससे क्या होता है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस गिर जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट फिल्ट्रेशन। तो अगर हम फिल्टर को चेंज कर दें तो उसका जो एक फील गुड फैक्टर है गाड़ी का, वो निकल के आता है। दोस्तों, K&N तीन तरह के आते हैं, एक स्टेज वन आता है, एक स्टेज टू, एक स्टेज थ्री, 1, 2, 3। तो स्टेज वन में क्या होता है कि जो आपका कार्ट्रिज होता है फिल्टर का, एग्जिस्टिंग स्टॉक वाला, उसको निकाल के K&N लगा दीजिए, हो गया, 2-3 मिनट लगते हैं। जो आपका सरफेस एरिया है फिल्टर का, वो ही एज इट इज़ मेंटेन रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो स्टेज टू है, उसमें एक कोनिकल या सिलेंड्रिकल शेप आती है, और वो ही हमारा आज का कैटेगरी भी है। तो उसमें जो हमारा एयर बॉक्स है, उसको हटा के इसको लगा देते हैं K&N को। उसमें क्या है डिफरेंस, कि जो सरफेस एरिया है वो बहुत बड़ा है, मटेरियल सेम है लेकिन सरफेस एरिया बड़ा है। अब क्योंकि जिस पाइप में हमने इसको फिट किया K&N को, वो पाइप इंजन के पास आ जाता है, तो पास आने की वजह से ये जो इंजन की हीट है वो सक करता है। अब एक इक्वेशन होती है केमिकल इंजीनियरिंग में कि PV = nRT। अब PV यानी कि प्रेशर गुणा वॉल्यूम, = n इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज अ कॉन्स्टेंट, T इज अ टेम्परेचर। ठीक, तो यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हवा पतली हो जाएगी। अब जैसे कि हम कई बार दूध वाले को बोलते हैं कि भैया दूध पतला आ रहा है और ये ठीक नहीं है, इसी हिसाब से अगर हवा पतली हो जाए तो वो ठीक नहीं है। इसी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए स्टेज थ्री होता है। स्टेज थ्री में क्या होता है कि एक पाइप होता है, और पाइप से हम हवा कहीं और से सक करते हैं, जैसे कि फ्रंट ग्रिल, गाड़ी के बॉटम से या कहीं और से। तो स्टेज थ्री बेस्ट होता है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो 25-30 हज़ार तक जाती है, जो कि मेरे बजट से बाहर थी। और दूसरी बात, डीजल की गाड़ी में स्टेज थ्री का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ियों में लगा है इंटरकूलर। इंटरकूलर क्या है कि जब टर्बो से गाड़ी की हवा को कंप्रेस करते हैं तो हवा गर्म हो जाती है, उसको ठंडा करने के लिए एक इंटरकूलर लगाते हैं, इंटरकूलर से हवा ठंडी रहती है। तो हवा जब वैसी ठंडी हो जानी है, तो क्या फ़ायदा कि हम उसमें इतना पैसा लगाएं।
लेकिन जिन लोगों के पास पेट्रोल की गाड़ियां हैं जिनमें इंटरकूलर नहीं होता, उनमें स्टेज थ्री का बड़ा बेनिफिट होता है। तो अगर आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, आप उसमें स्टेज थ्री वाला लगा सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, K&N जो कंपनी है, ये कई साल से काम कर रही है अमेरिका में। इसके सारे प्रोडक्ट्स मेड इन अमेरिका होते हैं, और क्योंकि इसका जो एक प्रोफाइल है कंपनी का, प्रोडक्ट प्रोफाइल, वो कम्प्लीटली फिल्टर्स पे ही फोकस्ड है, तो इसके मैंने प्रोडक्ट्स को यूज़ किया। दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस K&N से 15 साल से है। 15 साल पहले हमारे घर में गाड़ी आई थी, ह्युंडई एलांट्रा CRDI। वो मर्सिडीज़ के अलावा जो नॉन लग्जरी कार्स जो होती हैं उसमें वो पहली CRDI थी। अब उसके लिए उस ज़माने में मैंने K&N लिया था, स्टेज वन यानी कि स्टॉक एयर रिप्लेसमेंट। उस ज़माने में ना ही कोई YouTube था, ना ही Facebook था, ना ही था Amazon और ना ही था Flipkart। तो जाके ब्लॉग्स पढ़ो कंप्यूटर पे बैठ के, और दुकानों पे फिरो, दुकान से ढूंढ डांड के K&N लेके आओ। तो मैंने ऐसा ही किया। तो मैंने चंडीगढ़ में परचेज़ की थी ये चीज़ और लगाया, और मेरे को इतना अच्छा लगा, आई वॉज सो सेटिस्फाइड, कि कुछ सालों बाद जब हमारी अगली कार आई Hyundai VERNA, तो उसमें भी मैंने यही सेम चीज़ परचेज़ करी। फिर कुछ सालों बाद हमने एक और कार ली, i20 CRDI। इसमें भी अब मुझे लगाना था ही, अब बात ये आई कि भाई कौन सा लगाएं। तो क्योंकि मैं पहले से इतना एक्सपीरियंस था इस चीज़ में, मेरे को बहुत लंबा एक्सपीरियंस था दो दो गाड़ियों का, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार थोड़ा और ट्राई करते हैं, अब की बार स्टेज टू लगाते हैं और एयर बॉक्स हटा के इसमें हम कोनिकल वाला फिट करते हैं। तो इसके लिए मैंने परचेज़ किया K&N RR-3003, और उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, ये लगाया था मैंने पिछली सर्दियों में, एक साल पहले। अब आप बोलोगे कि मैंने तभी क्यों नहीं इसका वीडियो बनाया। मैं तब भी इसका वीडियो बनाया था, इंस्टॉलेशन भी बनाया था और डिस्क्रिप्शन वीडियो भी बनाया था, लेकिन मैंने इसको शेयर नहीं किया। मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मेरा मन था कि पहले मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, एक एक्सपीरियंस ले लूँ, तभी इसको आपको रिकमेंड करूँ। अगर मैं इसको तभी रिकमेंड करता तो शायद ये मेरे पार्ट पे गलत होता, जल्दबाजी होती, लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस अभी कुछ था नहीं उस टाइम पे, और इसको शेयर कर दिया। और आज मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए 10,000 किलोमीटर से ऊपर हो चुके हैं, एक साल पूरा हो चुका है। दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एक साल का और 10,000 किलोमीटर का, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा चार पॉइंट्स में। एक हो गया गाड़ी की फील कैसी है, दूसरा परफॉर्मेंस है वो कैसी है, तीसरा माइलेज कैसी है, चौथा इंजन की लाइफ कैसी है, सबसे इम्पोर्टेंट। दोस्तों, इसकी इंस्टॉलेशन बड़ी आसान है। जो गाड़ी का पाइप आ रहा है एयर वाला, उसमें से एयर बॉक्स हटा दीजिए। उसको हटाने के बाद जो K&N फिल्टर है वो इसके ऊपर माउंट कर दीजिए, और जो उसका स्क्रू है वो टाइट कर दीजिए, हो गया। जो गाड़ी की फील है वो हो गई है काफ़ी मैस्कुलिन। जैसे हमारी जब i20 आई थी तब ये ऐसी करती थी आवाज़, जैसे हाँ हाँ की, और अब करती है हाँ हाँ की। जैसे किसी को CD-100 से उठा के किसी बुलेट पे बिठा दो तो एक फ़र्क पड़ता है उस पर, हालांकि इतना नहीं है पर थोड़ा बहुत। और उसके अलावा जो टर्बो विसल होती है ना, तो उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है। टर्बो विसल बहुत तेज़ हो गई, आपको बिल्कुल महसूस होता है कि जब टर्बो स्पिन करना शुरू करता है, क्योंकि i20 में क्या है कि जो टर्बो है वो FGT है, फिक्स ज्योमेट्री है, तो VGT नहीं है। तो इसकी वजह से टर्बो जो है वो 2000 RPM के आसपास जाके एक्टिवेट होता है, तो आपको महसूस अब करता है कि जो है ये हाँ चल पड़ा। जो VERNA है और जो क्रेटा है, क्वेन्यू है, इन सब में भी ऑलमोस्ट सेम है। 1.6 में VGT है तो उसका फ़र्क है ज़रूर। ये तो बात हो गई आवाज़ की, अब मैं तुझे आवाज़ें निकाल रहा हूँ, इससे अच्छा ये है कि मैं आपको आवाज़ सुनाई देता हूँ। जी हाँ, तो आप आवाज़ सुन लो, ये एक साल पहले की आवाज़ है, जब फिल्टर बिल्कुल नया था, गाड़ी थोड़ी गंदी थी। तो जी, परफॉर्मेंस जो है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुई है, बहुत इम्प्रूव। इतना इम्प्रूवमेंट आया कि मैं आपको क्या बताऊँ, खासकर लोअर RPM, क्योंकि अगर आप छोटे शहर में रहते हैं या फिर आपका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बहुत होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको चाहिए होता है
एक हाई टॉर्क, वो भी लोअर आरपीएम पे। तो जैसे ई रिक्शा में जब आप बैठते हो तो अगर आपने नोटिस किया हो, एक आपको मुक्का सा मारती है जैसे ही वो एक्सेलेटर दबाते हैं उसका, एक एकदम से ही वो झटका सा मारती है और आपको लेके भागती है, राइट। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक में टॉर्क बहुत होती है, ऐसा ही कुछ अब i20 में भी हो गया है इस K&N के साथ। और एकदम जो 1000 से 1500 आरपीएम वाला बैंड है, इसमें इतना फ़र्क पड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल किक मारती है। दूसरा फ़र्क ये है कि जो इन गियर एक्सेलरेशन है वो इम्प्रूव हो गया है, आराम से गाड़ी चलती है, आपको फीलिंग आएगी आप बहुत फ़र्क पड़ा, स्मूथ हो गई। और टर्बो लैग जो है वो बहुत ही कंटेन हो गया है, हालांकि है उतना ही, टर्बो का साइज़ भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन जो फीलिंग आती है वो डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आई है। और जो हायर एंड है उसमें भी मैं कहूँगा काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अगर सपोज़ कीजिए पहले 170-180 जा रही थी, तो 5 पॉइंट टॉप स्पीड भी इम्प्रूव हुई है, डेफिनेटली हुई है। तो ये तो बात हुई परफॉर्मेंस की, अब बात हम करते हैं माइलेज की। माइलेज पे जो फ़र्क पड़ा है वो मैं कहूँगा कि मार्जिनल है, कोई बहुत फ़र्क नहीं है, इम्प्रूवमेंट है लेकिन इतना फ़र्क नहीं है टेक्निकली, लेकिन प्रैक्टिकली है। तो टेक्निकली नहीं है, प्रैक्टिकली है, मतलब समझिए। अभी C+O2 गिव्स CO2। अगर हम ऑक्सीजन बढ़ा देंगे गाड़ी की, एरिया बड़ा कर दिया फिल्टर का एंड ऑल दैट, बैक प्रेशर कम कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें MAF सेंसर है, कार्बोरेटर की गाड़ी तो नहीं है, MAF सेंसर यानी मास एयर फ्लो सेंसर, ये पता लगा लेती है कि कितनी हवा इसके अंदर जा रही है। तो जितनी हवा जा रही है उसके हिसाब से अपना ये फ्यूल भी बढ़ा देती है। अगर हम हवा बढ़ाएंगे फ्यूल भी बढ़ेगा, अनलेस आप ECU को चिप करो कि भाई ECU तुम जरा तेल तो कम भेजो, हम हवा बढ़ा रहे हैं, वो ऐसा होगा नहीं, ये गाड़ियाँ अपने आप ही खुद को पकड़ लेती हैं। अब क्या होता है कि हवा बढ़ गई तो तेल भी बढ़ गया, तो इन रिस्पॉन्स जो फ्यूल कंजम्पशन है वो एज इट इज़ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं तेल बढ़ने से फ्यूल इकोनॉमी कम होती ही होती है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है कि टॉर्क लोअर एंड पे बढ़ गई, तो अगर आपका स्लो ट्रैफिक है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, तो ये इसमें आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है, माइलेज में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा स्लो स्पीड पे। मिड रेंज में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हायर एंड में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद माइलेज कम ही होता हो। जैसे अगर कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी i20 क्रेटा वगैरह 100 की स्पीड पर 18-19-20 तक का माइलेज देती है, तो शायद ये आपको अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंट करे, आधा पॉइंट का शायद कम होता हो हाईवे रनिंग में, लेकिन लोकल में बहुत इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज की, मतलब कि एक टोटल एवरेज मान के चलें, सिटी प्लस हाईवे मिक्स, उसमें आपको लगेगा कि थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट ही मिला है। ये तो बात हो गई टेक्निकल की, अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं। दोस्तों, हम जब भी गाड़ी सर्विस कराते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है एक नया एयर फिल्टर। अब नए एयर फिल्टर में क्या होता है कि हवा बढ़िया आती है, आपको मज़ा आता चलाने में, वो होता है पेपर का। अब पेपर वाले में क्या होता है कि जो उसके जो दाने होते हैं, जो उसका मैश होता है वो बहुत पतला होता है, उसमें डस्ट आगे भर जाती है, और वो डस्ट भरने से जो एयर का थ्रूपुट है, हवा आने जाने का रास्ता, वो कम हो जाता है। इसकी वजह से गाड़ी पे वही वाला इफेक्ट आ जाता है। इससे क्या होता है कि गाड़ी में हवा कम जाती है, उसको दम लगाना पड़ता है, टर्बो पे लोड पड़ता है, और जो आपका फ्यूल जो इंजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि गाड़ी को कहीं ना कहीं पावर उतनी ही मेंटेन रखनी है। तो पावर मेंटेन रखने के लिए वो क्या करेगी, अपना तेल बढ़ा देगी, टॉर्क गिर जाएगी, तो उससे जो है आपका जो फ्यूल इकोनॉमी है वो कम हो जाता है। जब गाड़ी सर्विस होने के कुछ टाइम बाद नॉर्मली, लेकिन K&N में क्या है कि इसका जो कपड़ा है, जो उसकी जाली है, वो इस तरीके से बनी है कि उस पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, 15-20 हज़ार किलोमीटर तक भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से क्या है कि आपने गाड़ी सर्विस कराई तो वो 10,000 किलोमीटर के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई ज़रूरत ही नहीं सर्विस कराने की, बिल्कुल गाड़ी का बिल्कुल एकदम मस्त चल रही है। तो इसकी वजह से जो है वो जो प्रैक्टिकल फ्यूल इकोनॉमी है वो इम्प्रूव होती है K&N के साथ। तो ये हुए दो पॉइंट्स, प्रैक्टिकल और टेक्निकल। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो है गाड़ी के इंजन की लाइफ, कि नेगेटिवली इम्पैक्ट तो नहीं कर रही कहीं। तो उसका जवाब है नो। जो नॉर्मल फिल्टर होता है दोस्तों, उसको कभी आप हिलाओ ज़ोर से तो आप देखोगे इसमें धूल उड़ेगी बहुत ज़ोर से, ठीक है। बल्कि शोरूम पे लोग उस पर हवा मारते हैं, हवा से साफ़ भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब वो धूल उड़ती है
तो कई दफ़े वो इंजन के अंदर भी वापस आके बैठ जाती है, मतलब कि जो अदर साइड है वो पार कर जाती है और उससे इंजन घिसता है और लाइफ ख़राब होती है। ये तो हो गया नॉर्मल वाला सिस्टम। अब K&N में क्या है कि K&N में क्योंकि ऑयल होता है तो ऑयल पे वो मिट्टी बन के एक लेयर सी, पपड़ी सी बन जाती है, लेप सा बन जाता है, और जब हम उसको झाड़ते हैं, झटका मारते हैं, तो वो गिरती है आउटसाइड, मतलब कि फिल्टर पार नहीं करती, फिल्टर के उधर गिरती है, अदर साइड, जैसे कि बॉर्डर के इस पार, बॉर्डर के उस पार। क्योंकि ये इंजन के बाहर गिरती है तो इसका कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं होता। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब हम शुरू में लगाते हैं K&N को तो उसका जो दाना है, यानी कि जो उसका मैश साइज है, वो बड़ा होता है। थोड़ी सी मिट्टी उस पर सेटल हो जाती है, एक केक बन जाती है, लेयर बन जाती है, तो उसका जो पार्टिकल साइज़ है, जो मैश साइज़ है, इफ़ेक्टिव साइज़ है, वो छोटा हो जाता है। जो हवा पार होती है वो और भी अच्छी फिल्टर होती है। गाड़ी के इंजन की लाइफ की बात, मेरे हिसाब से इसको पूरा 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। दोस्तों, क्योंकि ये ओपन एयर फिल्टर है तो इसको हमें बचाना पड़ेगा पानी से, खासकर जब हम गाड़ी धोते हैं। तो मैंने अभी गाड़ी धोई थी, तो गाड़ी धोने के टाइम पे क्या करना पड़ता है कि कोई भी कैरी बैग, शॉपिंग बैग लेके इसका मुंह पे रख दीजिए, इसको कवर कर दीजिए, और जब सफाई हो जाए तो हटा दीजिए। हार्डली 1 मिनट लगता होगा। तो साफ़ करना बेहद आसान है गाड़ी को विद K&N, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं कि इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है। दोस्तों, हिंदुस्तान में डस्ट बहुत है, आपको पता है, तो डस्ट होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो बढ़ जाता है। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंटेनेंस में, वो ये है कि कुछ लोग हवा मारते हैं शोरूम पे जाके, भैया हवा मत मारना, हवा मारोगे तो फिल्टर फट जाएगा, फिर कुछ फट जाएगी। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल हवा मत मारना। साफ़ करने के 2 तरीके हैं, एक है वेट और एक है ड्राई। जैसे 5-6 हज़ार किलोमीटर हो गए आप, तो क्या कीजिए कि एक सिंपल ब्रश होता है ना, जिसे हम पेंट करते हैं, वो लेके इस पर हल्का सा मार दीजिए। 2-3 मिनट लगते होंगे शायद, मुश्किल से, बिना निकाले ही, बाहर बाहर से ही साफ़ कर लीजिए और वापस रख दीजिए। कुछ निकालना नहीं, कोई कुछ नहीं करना है, खाली ब्रश मार के सफाई करके आना है। जो मोटी मोटी जो मिट्टी जम गई वो तो निकल जाएगी, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है कि 20,000 किलोमीटर जैसे हो जाते हैं और फिल्टर बहुत गंदा हो जाता है, तो इसको आपको करना है वेट क्लीन। वेट क्लीन कैसे करना है? दोस्तों, इसकी किट आती है, क्लीनिंग किट होती है, होता कुछ नहीं है, उसमें एक साबुन होता है और एक तेल होता है। क्योंकि ये ऑयल होता है तो हम साबुन जब लगाएंगे तो वो तेल निकल जाएगा, तो वापस से हमें री ऑयल करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, बस साबुन लगाइए, पानी के नीचे रखिए, नल के नीचे, सिंपल टैप वाटर के नीचे, और अपने आप साफ़ हो जाएगा, कोई आपको कुछ नहीं करना है। मिट्टी निकल गई, उसके बाद इसमें जो तेल है वापस लगा दीजिए एक बार, और इसको दोबारा से फिट कर दीजिए। फिटिंग में मैंने आपको बताया था, अभी इंस्टॉलेशन में हार्डली 5 मिनट लगते हैं, वो हम कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इलेंट्रा में तो जो फिल्टर लगा हुआ है वो मैंने आपको बताया था, स्टॉक वाला है, तो स्टॉक वाला यानी कि जो ओरिजिनल साइज़ होता है वैसा ही है। तो उसको मैंने 15 साल में तकरीबन 6-7 बार वेट क्लीन किया होगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैंने साफ उसको नहीं किया है। अब बात आती है कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 1 साल का कैसा है, मेरी ओपिनियन क्या है इसके बारे में। अगर आपको हल्का सा भी शौक है अच्छी आवाज़ का, अच्छी फील का गाड़ी की, अच्छे इंजन लाइफ का, अच्छी परफॉर्मेंस का, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये 8,000 का मिलता है एज़ पर द MRP, लेकिन अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे ये 6-6.5 हज़ार के बीच में घूमता रहता है, कभी थोड़ा बहुत कम, कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा। आप इसको कहीं से भी लीजिए, मैं लिंक अमेजोन का शेयर कर रहा हूँ, ये एफिलिएट लिंक नहीं है मेरा, तो अगर आप कहीं से भी लेते हैं तो मेरे को इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। आपको जहाँ से सस्ता मिलता है आप वहाँ से लीजिए, चीपेस्ट लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि K&N जो है ये नकली बहुत मिलता है, काउंटरफिट बहुत मिलता है। तो इसकी पहचान क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जो डार्क लाल रंग का है वो तो है नकली, और जो जेन्युइन वाला है, असली जो है, उसकी जो कलर है वो है पिंक। मेरे को बात समझ में नहीं आती, जिस बंदे ने नकली बनाया वो पिंक कलर का क्यों नहीं बनाता। अगर कहीं आपको अच्छी डील नहीं मिल रही है तो हमें याद कीजिए, हमारे पास फ्रस्ट्रेशन फ्री पैकिंग इसका है अवेलेबल। तो उसमें फ़र्क क्या होता है कि जो बॉक्स होता है वो डिफरेंट होता है, बल्क पैकेजिंग होती है, और उसमें जो प्राइसेस होती हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं। आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं,
कमेंट कर दीजिए अगर आपको चाहिए हो तो, नॉट अ प्रॉब्लम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आप इस प्रोडक्ट को लगाइए और लगाने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते तीन चीज़ ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बहुत जल्द हमारी एक और वीडियो आने वाली दोस्तों, और वो भी कहीं ना कहीं आपको ज़रूर टच करेगी, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।